हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ डॉक्टर जयश्री डावरे आज हम पढ़ेंगे बी एस सी पार्ट थर्ड पेपर सेकेंड यूनिट सेकेंड का टॉपिक कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड क्लॉटिंग हम स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड से ब्लड इज़ अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू सर्कुलेटिंग इन द बॉडी ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की सेल्स के बीच कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को टिश्यूज़ तक पहुंचाता है तथा सी ओ टू व वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक लेकर जाता है इसके अलावा ब्लड एंटीबॉडीज़ व हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट का माध्यम भी है ब्लड कंस्टिट्यूट्स ऑफ एट परसेंट ऑफ बॉडी वेट ब्लड इज़ कम्पोज ऑफ लाइट येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूड कोल्ड प्लाज्मा इस प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप्स की ब्लड कापसल्स फ्लोट करती हुई दिखाई देती हैं प्लाज्मा ब्लड के वॉल्यूम का लगभग फिफ्टी फाइव परसेंट तथा कापसल्स फोर्टी फाइव परसेंट तक होते हैं ब्लड में तीन तरह के कार्पसल्स पाए जाते हैं पहला एरेथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड कार्पसल्स ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड कार्पसल्स और ब्लड प्लेटलेट्स पहले हम पढ़ेंगे एरेथ्रोसाइट्स के बारे में ये शेप में बाईककेव होते हैं और मैमल्स के अलावा बाकी सभी वर्टिब्रेट्स की रेड सेल्स न्यूक्लिएटेड होती हैं एरिथ्रोसाइट्स का डायमीटर 8.5 माइक्रोन थिकनेस 2.2 माइक्रोन तक होती है फीमेल में इनकी संख्या 4.5 से 5 मिलियन तक होती है जबकि मेल्स में इनकी संख्या होती है 5 से लेकर 5.5 मिलियन तक सिंगल कार्पोसिल का कलर लाइट येलो होता है परंतु जब हम ग्रुप में या झुंड में देखते हैं तो यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देती हैं एरिथ्रोसाइट्स थिन पेरिफ्रल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की बनी होती है से सराउंडेड रहती हैं ह्यूमंस में इनका लाइफ स्पैन लगभग 120 दिन का होता है एरिथ्रोसाइट्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है हीमोग्लोबिन चार परसेंट हीम और नाइन्टी सिक्स परसेंट ग्लोबुलिन प्रोटीन का बना होता है हीम एक परफायरिन डेरिवेटिव होता है हीमोग्लोबिन के प्रत्येक मॉलिक्यूल में ग्लोबिन की चार कोयल पॉलीपेप्टाइड चेन्स तथा हीम के मॉलिक्यूल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के हीम मॉलिक्यूल्स के आयरन में ऑक्सीजन के साथ एक बहुत कोमल और आसानी से खुलने वाला रिवर्सिबल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है फॉर्मेशन ऑफ एरेथ्रोसाइड्स भ्रूणावस्था से दो महीने तक आरबीसी का फॉर्मेशन योग सेक प्लासेंटा में होता है दो से पाँच महीने तक यह लिवर स्प्लीन और थाइमस में बनते हैं किंतु एडल्ट्स में यह कार्य फीमर की रेड बोन मैरो में लाइफ लॉन्ग संपन्न होता रहता है आरबीसी फॉर्मिंग टिश्यूज़ को हम एरिथ्रोपोटिक टिश्यूज़ कहते हैं और यह है प्रोसेस निम्न प्रकार होता है एरेथ्रोसाइट्स का निर्माण हमारी बोन मैरो में पाई जाने वाली स्टेम सेल्स या माइलोब्लास्ट में होता है माइलोब्लास्ट के अंदर अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस इसका अनडिफ्रेंशिएटेड होता है नेक्स्ट स्टेप में माइलोब्लास्ट कन्वर्ट होती है प्रो एरेथ्रोब्लास्ट में जो कि माइलोब्लास्ट से बड़ी होती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होती है एरिथ्रोब्लास्ट में यहाँ पर यह एरिथ्रोब्लास्ट हीमोग्लोबिन एक्वायर कर लेती है एरिथ्रोब्लास्ट बनाती है नॉर्मोब्लास्ट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस गायब हो जाता है नेक्स्ट स्टेज आती है रेटिकुलोसाइट रेटिकुलोसाइट को हम कह भी सकते हैं इमेच्योर एरिथ्रोसाइट जो कन्वर्ट हो जाता है मेच्योर एरेथ्रोसाइट में फंक्शंस ऑफ एरेथ्रोसाइट्स एरेथ्रोसाइट्स में मौजूद हीमोग्लोबिन लंग से बॉडी सेल तक ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है हीमोग्लोबिन एक प्रतिरोधी की भांति भी कार्य करता है आरबीसी आयनिक बैलेंस भी बनाए रखने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड सेल आता है हमारा ल्यूकोसाइट्स या श्वेताणु ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स कंटेन्स न्यूक्लियस एंड हेंस आर द ट्रू सेल्स ल्यूकोसाइट्स एरिथ्रोसाइट से डिफर करते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियस होता है संख्या में यह कम होते हैं और साइज़ में एरिथ्रोसाइट से बड़े होते हैं इनका डायमीटर आठ से पंद्रह माइक्रोन के मध्य होता है इनकी संख्या हमारे ब्लड में 6000 हज़ार से दस हज़ार तक होती है यदि हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स की संख्या 6000 हज़ार से नीचे हो जाए जैसे कि अपन टाइफाइड फ़ीवर में देखते हैं तो इस डिज़ीज़ को कहते हैं ल्यूकोपेनिया ठीक इसी प्रकार यदि डब्ल्यू की संख्या हमारे ब्लड में दस हज़ार से ऊपर बढ़ जाती है तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट्स को हम दो मेन वेराइटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं पहला ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स और दूसरा अग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स यह डिवीजन बेस्ड होता है ऑन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म एंड द टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स यहाँ हम डायग्राम में ठीक से देख सकते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हमें साफ दिखाई दे रहे हैं और अग्रेन्युलर में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं सबसे पहले हम लेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स ये संख्या में लगभग सेवेंटी से सेवेंटी फाइव परसेंट होते हैं इनके में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं और केंद्रक प्राय दो से तीन परस्पर जुड़े हुए लोब्स में डिवाइडेड और असिमेट्रिकल होता है इसीलिए हम इन्हें कहते हैं पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर सेल्स ये बोन मैरो की रेटिकुलर सेल से बनते हैं इनके फॉर्मेशन को माइले कहते हैं इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी के आधार पर ग्रेन्योलोसाइट्स को हम तीन प्रकार में बांट सकते हैं पहला एसिडोफिल्स या ईसिनोफिल्स ये डब्ल्यू संख्या में लगभग एक से चार परसेंट होते हैं जो एसिडिक स्टेन ईसिन का रंग ले लेते हैं इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है जो थिन क्रोमेटिन फाइबर कॉल स्थ्यूमस से जुड़ा होता है इनका लाइफ स्पैन 10 से 12 दिन होता है इनके साइटोप्लाज्म में एंजाइम युक्त ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं ये बॉडी में इम्यूनिटी एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी संस्टि, में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की मास्ट सेल द्वारा सिक्रेटेड हिस्टामिन का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं अगला टाइप है बेसोफिल्स इनकी संख्या लगभग 0.5 से 2 परसेंट तक होती है ये सेल्स एल्के्कलाइन स्टेन मिथाइलिन ब्लू को एब्जॉर्ब करते हैं इनका न्यूक्लियस बड़ा किडनी या एस शेप्ड का तथा दो से तीन लोब्ड होता है इनका लाइफ स्पैन पंद्रह दिन तक होता है इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स बड़े पर संख्या में कम होते हैं इन सेल्स की ग्रेन्यूल्स मास्ट सेल्स द्वारा सिक्रेटेड हिस्टामिन और सीरोटोनिन एक्सेट्रा का ट्रांसपोर्ट करती हैं साथ ही कार्बन पार्टिकल्स का भी बाहर निकालती हैं थर्ड टाइप की सेल्स आती हैं न्यूट्रोफिल्स ये ग्रेन्यूलोसाइट्स गोल अमीबॉयड संख्या में 60 से 70 परसेंट तक होते हैं और सबसे एक्टिव सेल्स माने जाती हैं इनका लाइफ स्पेन दो से चार दिन होता है इनका न्यूक्लियस दो से पांच या अधिक लोब्स का बना होता है इसलिए इनको कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स बड़े तथा न्यूट्रोफेलिक नेचर के होते हैं और लाइजोजोम की तरह डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे रहते हैं इनमें सक्रिय भ्रमण और फेगोसाइटोसिस की क्षमता होती है अब हम आते हैं अग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स पर ब्लड में इनकी संख्या लगभग 25 से 30 परसेंट तक होती है इनका न्यूक्लियस लोब्ड नहीं होता और साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स भी नहीं पाए जाते एक ही न्यूक्लियस होने के कारण इन्हें हम कहते हैं मोनो न्यूक्लियर कार्पसल्स न्यूक्लियस की शेप और पोजीशन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स भी दो तरह के होते हैं स्मॉल एंड लार्ज लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स संख्या में बीस से तीस परसेंट तक होती हैं इनका न्यूक्लियस गोल और सेंटर में स्थित होता है में बहुत कम होता है और इनका निर्माण होता है लिम्फोब्लास्ट सेल्स से लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन होता है डिफेंसिव रिएक्शंस के लिए बीटा तथा गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स बनाना लास्ट तरह की सेल आती है मोनोसाइट्स ये संख्या में लगभग दो से चार परसेंट परंतु साइज में सबसे बड़ी होती हैं, लगभग पंद्रह से बीस माइक्रोन न्यूक्लियस बड़ा किडनी शेप्ड व एक्सेंट्रिक होता है ये फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं अब हम आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स पर प्लेटिलेट्स मैमल के अतिरिक्त अन्य सभी वर्टिब्रेट्स में थ्रोम्बोसाइट्स के स्थान पर पाई जाती हैं इनकी आकृति राउंड ओवल और रोड लाइक होती है और यह कलरलेस होते, है। है, होते हैं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है परंतु इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनका लाइफ स्पैन तीन से दस दिन तक होता है ये रेड बोन मेरो में मेगा कैरियोसाइट्स से बनती हैं एडल्ट ह्यूमन में पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या लगभग तीन लाख तक होती है प्लेटलेट्स के फंक्शंस ये एडहेसिव नेचर के होने के कारण ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती हैं ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन की क्रिया को स्टिमुलेट करती हैं साथ ही इनके द्वारा सेक्रेटेड सीरोटोनिन वैसोकॉस्ट्रिक वैसोकस्ट्रक्शन यानी कि ब्लड वेसल्स के डायमीटर को घटाने का काम करते हैं प्लाज्मा ब्लड का सेकेंड पार्ट है प्लाज्मा प्लाज्मा का लिक्विड पार्ट जो कि टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55 परसेंट होता है प्लाज्मा कहलाता है यह पेल येलो कलर्ड सब्सटेंस 91 परसेंट वाटर और 9 परसेंट सॉलिड सब्सटेंसेस से बना होता है जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के 9% परसेंट में से परसेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में तीन टाइप के प्रोटीन्स होते हैं पहला एल्ब्यूमिन जो कि 4.2% परसेंट होता है ग्लोबुलिन 2.5% परसेंट होता है और थर्ड है फाइब्रिनोजिन जो कि 0.3% परसेंट होता है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्लाज्मा बैलेंसर और ट्रांसपोर्टर का काम करता है प्लाज्मा प्रोटीन्स और डिफरेंट मिनरल आयन्स ऑस्मोटिक बैलेंस पीएच बैलेंस तथा बफर इफेक्ट को मेंटेन करते हैं फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं यहाँ तक तो हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ ब्लड अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या ब्लड को या रक्त स्कंदन बॉडी से निकलने के बाद ब्लड जनरली पाँच से आठ मिनट में अपनी तरलता खोकर एक सेमी सॉलिड जेली में चेंज हो जाता है इस फिनोमेनन को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं ब्लड क्लॉट फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन से बनता है जो प्लाज्मा में सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है क्लॉटिंग के समय यह फाइब्रिनोजन एक फाइब्रस सब्सटेंस फाइब्रिन की इनसोल्यूबल नेटवर्क में चेंज हो जाता है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में चेंज थ्रोम्बिन से होता है जो ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन के रूप में पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में चेंज थ्रोम्बोप्लास्टिन तथा कैल्शियम के एक्शन पर डिपेंड करता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए तेरह फैक्टर्स होते हैं जिनको हम रोमन नंबर्स द्वारा डिनोट करते हैं यहां पर आप देख रहे हैं एक से लेकर तेरह तक फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स पार्ट लेते हैं इस प्रोसेस को एंजाइम कास्केड थ्योरी भी कहते हैं और यह दो स्टेप्स में पूरी होती है पहला इंट्रेंसिक पाथवे और दूरा दूसरा एक्सट्रेंसिक पाथवे हम देखते हैं कि जैसे ही कोई चोट लगती है तो तुरंत खून बहने लगता है जैसे ही चोट लगती है दोनों इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवेज एक्टिव होकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देते हैं किसी ब्लड वेसल की डैमेज सरफेस के साथ कांटेक्ट में आने पर हैगमेन फैक्टर यानी कि फैक्टर ट्वेल्व का एक्टिवेशन सबसे पहले होता है इसके साथ ही प्लेटिलेट्स इकट्ठा होकर वेसल्स के डैमेज सरफेस पर चिपक जाते हैं तथा उनकी सरफेस पर एक फॉस्फोलिपिड सब्सटेंस अपीयर होने लगता है यह फॉस्फोलिपिड कैटालाइटिक सीक्वेंस के अनेक स्टेप्स में एक कोफैक्टर के रूप में इंपॉर्टेंट होता है एक्टिवेटेड हेगमेन फैक्टर हैगमेन फैक्टर यानी कि फैक्टर बारह एक्टिवेटेड हेगमेन फैक्टर दूसरे फैक्टर जो कि है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर इलेवन को एक्टिवेट करता है फैक्टर ट्वेल्व जो कि हेगमेन फैक्टर है वो फैक्टर इलेवन जो कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट है उसको एक्टिवेट करता है एक्टिवेटेड फैक्टर इलेवन जिसे हम अब कहेंगे इलेवन ए के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है क्रिसमस फैक्टर क्रिसमस फैक्टर जो कि फैक्टर नाइन है पर क्रिया करके नाइन ए उत्पन्न करता है फैक्टर नाइन ए एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन जो कि फैक्टर आठ है प्लेटलेट्स से प्राप्त फॉस्फोलिपिड तथा कैल्शियम आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स होकर कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम कहते हैं इंट्रेंसिक फैक्टर एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एक बार हम थोड़ा सा वापस रिपीट करेंगे फैक्टर नाइन ए जो कि एंटी हीमोफिलिक गलोबिल फैक्टर आठ है प्लस प्लेटिलेट्स से प्राप्त फॉस्फोलिपिड्स तथा कैल्शियम आयंस के साथ कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम इंट्रेंसिक फैक्टर एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सटेंसिक पाथवे ब्लड क्लॉटिंग के एक्सट्रेंसिक पाथवे में डैमेज टिश्यूज तथा प्लेटिलेट्स के एडिशन से उत्पन्न होने वाले फॉस्फोलिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है यह है, प्रोकन्वर्टिन जो कि फैक्टर सेवन है के साथ इंटरेक्ट कर एक्सट्रेंसिक फैक्टर एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बनाता है फैक्टर सेवन विटामिन के प्रेजेंस में लिवर में सिंथेसाइज होता है एक्टिवेटेड फैक्टर टेन प्लाज्मा में लेबाइल फैक्टर जो कि फैक्टर पाँच है फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम आयंस के साथ कंबाइन होकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं नेक्स्ट स्टेप आता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन जायमोजिन कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन इज अ ग्लोबुलिन जो कि प्लाज्मा में सर्कुलेट होता रहता है यह प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन के एक्शन से एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन के इफेक्ट से फाइब्रिनोज़िन एक या अधिक पेप्टाइड खो देता है थ्रोम्बिन द्वारा फाइब्रिनोज़िन का हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप एक सोल्यूबल स्टेबल फाइब्रिन या हार्ड क्लॉट का निर्माण कैल्शियम तथा फाइब्रिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है ये लॉन्ग इन फाइब्रिन थ्रेड्स अब एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स को अपने जाल में फंसाकर ब्लड क्लॉट बना लेते हैं कुछ समय बाद क्लॉट श्रिंक हो जाता है और इसमें से क्लियर स्टिकी फ्लूड निकलता है जिसे हम सीरम कहते हैं लास्ट में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ क्लॉटिंग क्लॉटिंग के क्या महत्व हैं इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी यह है कि यह छोटे छोटे जख्मों से अत्यधिक ब्लड लॉस को रोकता है कुछ मनुष्यों में ब्लड क्लॉट बनाने में असमर्थ होता है या बहुत धीरे धीरे क्लॉटिंग होती है इस रोग को हम हीमोफीलिया कहते हैं ऐसे मनुष्यों में एक बार ब्लडिंग ब्लीडिंग शुरू होने पर ऐसे मनुष्य को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस हमारे शरीर से बहने वाले ब्लड को क्लॉट करके ब्लड लॉस से बचाता है थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी